नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सुमन, आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज हम सीखेंगे मेजर कॉर्ड पे बेस फिल्स कैसे बजाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेसन में हमने समझा था कि रिदम और नोट्स दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। रिदम डेफिनेटली सबसे पहले पता होनी चाहिए फिल बजाने से पहले, और ये भी पता होना चाहिए कि नोट्स कौन से चूज करने हैं। माइनर कॉर्ड के लिए माइनर पेंटाटोनिक, मेजर कॉर्ड्स के लिए मेजर पेंटाटोनिक। इस लेसन में हम एग्जांपल ले रहे हैं जी मेजर पेंटाटोनिक का, यानी कि जी मेजर कॉर्ड पे जी मेजर पेंटाटोनिक स्केल यूज करके कैसे फिल बनाई जाए। तो मेजर पेंटाटोनिक स्केल बजाने के दो मेन तरीके होते हैं। एक होता है ये सेकेंड पोजिशन वाला तरीका, जिसे हम सेकेंड फिंगर से शुरू करते हैं। ठीक, तो ये वाली शेप, और एक तरीका होता है जिसमें सिर्फ हम फर्स्ट और फोर्थ फिंगर यूज करेंगे, जैसे कि ठीक। अब इसको ऐसे बजाने में फायदा यह होता है कि आप काफी सारी स्लाइड्स कर सकते हैं, हैमर ऑन पुल ऑफ भी कर सकते हैं। फिर से एक बार दिखाता हूं। ठीक है, ये वाला इस पोजीशन में ये सब चीजें करना मुश्किल होता है। ठीक, इसमें स्लाइड वगैरह करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड पोजीशन को फिल बजाने के लिए यूज नहीं किया जाता, बिल्कुल यूज किया जाता है। पर्सनली मैं ये वाली पोजीशन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा रेंज देती है, ये मुझे अलाउ करती है कि मैं अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। चलिए अब इस स्केल को लेते हैं और इससे बनाते हैं दो अलग अलग बेस फिल्स, और उसके बाद में उनको सीखते हैं। तो ये वाली ग्रूव के ऊपर हम लोग एक फिल बनाएंगे चौथे बार में। पहले मैं रिदम बोलूँगा, उसके बाद में उस पर मेजर पेंटाटोनिक के नोट्स ऐड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, तक दिमी 1। तो अब चलिए बजाते हैं फिल। 1, 2, 3, 4। तो चलिए इस फिल को अब ब्रेक डाउन करते हैं कि मैंने एग्जैक्टली क्या बजाया। तो मैंने बेसिकली सेम तक दीमी, यानी कि एग्जैक्टली 16 नोट्स हैं। सो तक दीमी ता। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी साउंड आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेसिकली उन्हीं नोट्स को मैंने स्लाइड किया। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फोर्थ बार पे बजाएंगे हम फिल, इस बार ट्रिपलेट्स यूज करके, यानी कि ताकीट ऐसे। ठीक है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, ताकीट 1। अब मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ इस फिल को जो हमने बजाई थी अभी। मैंने हायर नोट से इस बार शुरू करी, यानी कि ई से, एक हैमर ऑन छोटा सा। ठीक है, यानी ता। तो अब ये एक स्केल शेप है, यानी कि आप जी मेजर पेंटाटोनिक की जो शेप है, अगर आप उसको ए पे शिफ्ट कर देंगे तो वो ए मेजर पेंटाटोनिक हो जाएगी। यानी अगर आप ए मेजर कॉर्ड देख रहे हैं अपने सामने, आप ए मेजर पेंटाटोनिक पे। फिल बजा सकते हैं ठीक ऐसे ही, बी मेजर, सी मेजर, डी मेजर, तो जो भी मेजर कॉर्ड आप देख रहे हैं उसका मेजर पेंटाटोनिक यूज कर सकते हैं आप फिल बनाने के लिए, फिल बजाने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने ये लेसन देखा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट्स में छोड़िएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा।
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन जिसमें हम सीखेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को एक गाने में कैसे अप्लाई करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन. आई विल सी यू वेरी सून.